स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए हम अपनी वेबसाइट जो है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमें इस बात के बारे में ऑलरेडी पता है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आती है और ना ही आपके पास वेबसाइट की कोडिंग के लिए कोई बेसिक नॉलेज है। लेकिन जब हम गूगल एडसेंस की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है कोई वेबसाइट क्रिएट करने का बेसिक नॉलेज हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं तो आप गूगल एडसेंस के लिए वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है मौजूद हैं जिनके थ्रू जो है वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लॉगर की। तो ब्लॉगर जो है ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अपनी वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉगर के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ब्लॉगिंग की जाती है और किस तरह से इसके अंदर आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, किस तरह से इसको क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आप जब ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एफर्ट करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ जो है आपको बैठे बिठाए नहीं मिल जाती है। ऑनलाइन पैसा कमाना बिल्कुल ये इसी तरह ही है जिस तरह आप नॉर्मल रियल लाइफ में मेहनत जो है करते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर अक्सर आपने नेट पर देखा होगा कि इजी से इजी मेथड जो है बताए जा रहे होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से अर्निंग कर भी सकें। लेकिन ये कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अर्निंग जो है ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। शुरू में की हुई मेहनत बाद में आपके जो है फ़ायदे का बाइस बनेगी। तो इससे पहले कि हम ब्लॉगर का जो है स्टार्ट करें, मैं कुछ चीज़ें जो है आपको आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम एडसेंस पर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने मैंने गूगल एडसेंस की जो वेबसाइट है ओपन की हुई है। तो इस हमने इसी का जो है इसी के लिए अकाउंट जो है क्रिएट करना है। तो लेकिन ये है कि इससे पहले कि आप ब्लॉग जो है क्रिएट करें तो यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ जो है दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मिलियन पीपल हैव चोजन एडसेंस हियर्स वाई, और इसके बाद जो है लिखा हुआ है अर्न मनी फ्रॉम योर साइट। इसको आप विज़िट करके देखें। ठीक है, एड ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल सेव टाइम, यानी यहाँ पर जो है दिखाने वाली जो चीज़ है वो ये है, सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडसेंस। ठीक है, कि आप एडसेंस से कितना अर्न जो है कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन जो है मेहनत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रीजन देख लेते हैं। ठीक है, आप अपना यहाँ से रीजन जो है सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस भी यहाँ पर जो है रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये कैटेगरी, आपने ये देखना है कि आप जो है किस कैटेगरी में काम जो है कर सकते हैं। क्योंकि हम जितने लोग भी इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं हमारा लाजमी ताल्लुक जो है किसी न किसी कैटेगरी से ज़रूर जो है होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट नंबर में से आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो एंड व्हीकल्स और ब्यूटी फिटनेस, बुक्स लिटरेचर, यानी अगर आप इस लिस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं जो है आपको आपका पैशन जो है ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ के यहाँ पर जो है आप जो है जॉब्स एंड एजुकेशन में जो है वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, बुक्स एंड लिटरेचर, ऑनलाइन स्टोर के बारे में भी, जैसे ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। ई कॉमर्स आई थिंक के इंटर, जैसे रियल स्टेट भी है यहाँ पर आपके पास, न्यूज़ से रिलेटेड भी बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, यानी ये बताने का मकसद ये सारी कैटेगरीज़ जो है आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने इंटरेस्ट की जो कैटेगरी है उसको जो है सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है फ़िलहाल जो जॉब्स एंड एजुकेशन को सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको बता सकें कि आप अर्निंग इसमें कितनी कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट किया तो हमें ये पता चला कि अगर हमारी वेबसाइट के जो मंथली व्यूज़ हैं कितने, 50,000 हो रहे हैं, तो हम एनुअली जो है कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये डॉलर का ही साइन बना हुआ है। ठीक है, 5,922, ये एक एस्टीमेट है।
जो यहाँ पर बताया जा रहा है कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये आगे आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का कंटेंट जो है अपने वेबसाइट पर जो है शेयर करते हैं। और ये बात भी मैं आपको साथ साथ जो है क्लियर कर देता हूँ कि जब आप अपने कंटेंट को शेयर करेंगे तो आपको अपना कंटेंट को शेयर करने की वजह से या आप माइंड में रखें कि पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि जब आप अपना कंटेंट शेयर करेंगे आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा, उस पर जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एड्स को प्ले किया जाएगा और जब वो एड्स प्ले होंगे यूज़र्स उन एड्स को देखेंगे उन पर क्लिक करेंगे तो उसी सूरत में जो है ये रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि इसका मतलब ये है कि मेहनत की जाए तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने अगर आपका शौक है ऑनलाइन अर्निंग का, आप समझते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट जो है वर्ल्ड को डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर ही इस पर आप काम करें। अदरवाइज़ आप अगर स्टार्टिंग में मेहनत करके छोड़ने वाले हैं तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरू में अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग जो है जोश में ऑनलाइन अर्निंग की कोशिश करते हैं और जब उनको खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिलती तो उसके बाद जो है वो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है। आप अपने कंटेंट को वर्ल्ड वाइड लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड में आपको अपने आप को मनवाने की ज़रूरत जो है पड़ती है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको चेंज करके भी देखना चाहते हैं डिफरेंट कैटेगरी में तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी टाइप का कंटेंट जो यहाँ पर कैटेगरीज अवेलेबल हैं उनके बारे में आप शेयर जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर कि हम अपना फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये है कि अभी आपको जैसे कि हम जानते हैं नॉलेज नहीं है तो हम ब्लॉगर के थ्रू जो है आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को क्रिएट जो है कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा साथ ही जो है मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जो है जो मैंने वीडियो क्रिएट की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है अपना जीमेल आईडी क्रिएट करें, तो ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने एक काम करना है कि जो आपका जीमेल आईडी है उसको आप साइन इन कर लें। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे आप सिंपल है यहाँ से आपने टाइप करना है blogger.com। ठीक है, ये आपके सामने जो है blogger.com जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्रिएट योर ब्लॉग, तो यहाँ पर जो है टॉप राइट कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपसे जो है आपका अकाउंट साइन इन का बोल रहा है, मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ, आप कर लें। ठीक है, अब पहला ही यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप आपके पास जो आ रहा है वो है चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अपने ब्लॉग के लिए आपने जो है एक नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ, सपोज़ कि मैंने फॉर एग्जांपल टॉप ईडीयू ले लिया या मैंने एजुकेशन, मैं देखता हूँ यहाँ पर जो है कौन सा नेम जो है एक्सेप्ट जो है हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन ले लिया मैंने, नेक्स्ट। ठीक है, ब्लॉग का नेम एजुकेशन है। अब यहाँ पर असल चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका यूआरएल मतलब कि आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिस नेम को आप एडसेंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अगर एजुकेशन टाइप करता हूँ तो आप देखते हैं, ठीक है, क्या मैसेज आ रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, मीन्स कि ऑलरेडी कोई जो है शख्स इस एड्रेस को जो है यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं सेम इसी तरह से जो है आपको कोई यूनिक नेम यूज़ करना पड़ेगा जो आपका एक्सेप्ट जो है हो जाता है आपके ब्लॉग के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ईडीयू करके देखते हैं, ईडीयू भी अवेलेबल नहीं है, ईडीयू पीके करके देखते हैं, ईडीयू पीके भी अवेलेबल नहीं है, अब कह रहे हैं ईडीयू पीके करके देखते हैं डॉट पीके, वो भी अवेलेबल नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कुछ करके देखते हैं। ठीक है, या कोई नंबर ऐड करके देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर आप बेस्ट से बेस्ट एड्रेस सेलेक्ट करने की कोशिश करें जो आपका यूज़ जो है हो सके। ठीक है, अभी मैं अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है यहाँ पर,
मैं क्योंकि मुझे आगे और भी आपको चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी है, तो कोई यूनिक नेम यहाँ पर जो आप समझें कि बेस्ट नेम आपके ब्लॉग के लिए हो सकता है आपके कंटेंट से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पर जो है सर्च कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि सपोज़ के हम बात कर रहे हैं कि ये नेम जो है हमने ले लिया, बाद में चेंज भी किया जा सकता है, तो मैं यहाँ से जो है इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है डिस्प्ले नेम, ठीक है, कि रीडर्स को आपका नेम जो है क्या डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर जो हमने ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन जस्ट टाइप कर दिया, फिनिश किया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इस टाइम मेरे ब्लॉग का डैशबोर्ड जो है ओपन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है दिखने में किस तरह से नज़र आता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको बेस्ट वे में बिल्कुल कोई भी स्टेप स्किप किए बगैर सब कुछ बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता है, सीखने वाले लोग जो भी हैं जब भी कभी कांटेक्ट करना चाहें, पूछना चाहें, पूछ सकते हैं, कभी भी मना नहीं करते। ठीक है, समटाइम टाइम कम होता है लेकिन फिर भी आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, कहीं से भी अगर समझ नहीं आ रही हो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है अपना वेबसाइट क्रिएट की है अपनी, आप ख्वाहिशमंद होंगे कि आप इसको देखें कि दिखने में किस तरह नज़र आती है। तो यहाँ पर जो है जो स्क्रॉल बार नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड में, इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर जो है व्यू ब्लॉग पर क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं टॉप में नेम जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका URL एड्रेस है जो हमें ज़रूरत थी वेबसाइट को, सॉरी के जिसकी हमें ज़रूरत थी गूगल एडसेंस को के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो वो हमने अपना टास्क जो है पूरा कर लिया है और ये हमारा जो ब्लॉग है, ये वेबसाइट हमें नज़र आ रही है इस टाइम, ये दिखने में इस तरह की नज़र आ रही है। लेकिन आप जो है इसका कंप्लीट लुक जो है चेंज कर सकेंगे, जो हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है सिखाएंगे कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। और साथ ही साथ एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो नेम आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप जो है चेंज कर सकेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि ये कि आपको जब अपनी वेबसाइट को आप ऑनलाइन रन कर रहे हो तो कोई भी शख्स ये नहीं आपको कह सकेगा कि आप किसी फ्री वेबसाइट पर काम जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने कोशिश की है, हमने ये देखा है कि हम ब्लॉगर अकाउंट जो किस तरीके के साथ क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से जो है हम किस तरह से जो है इसको मैनेज करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर इनको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिसका अकाउंट है, ठीक है, उसको आपने एडसेंस के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जो है यूज़ करना है। लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके थ्रू जो है आपको अप्लाई करके भी दिखा दूँ, जो मैंने अभी जो है अकाउंट क्रिएट किया वेबसाइट के थ्रू, कि एडसेंस का क्या प्रोसीजर जो है होगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में जो चीज़ आपको सिखाई गई है इसको प्रैक्टिस करके देखें, आपको फिर भी समझने में अगर कोई मुश्किल आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको इस जो लर्निंग स्टेप्स हमारे चल रहे हैं इसमें और मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड जो है कर सकें। थैंक यू।